अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है दूध। 1 लीटर दूध, यानी कोई भी 1 किलो दूध आप ले लें। और उसमें आप 4 टेबलस्पून कस्टर्ड, जो आपको फ्लेवर पसंद हो वो कस्टर्ड ले लें। मेरे पास वनीला फ्लेवर है। अब इसमें क्या है, जैसा कि आप सबको पता है कि कस्टर्ड किस तरह से बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो लोग पहली दफ़ा बना रहे होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, जैसे कुछ कम एज के भी बच्चे होते हैं, लेकिन वो ऐसी ही चीज़ें बनाने का शौक़ रखते हैं कि हम आइसक्रीम बनाएं, तो वो फिर किस तरह से बनाएं, तो वो 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ले लें और उसको दूध में इस तरह से मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, ठीक है। बिल्कुल भी इसमें कोई भी इस तरह से गुठलियाँ ना बनने दें, उसको अच्छी तरह से बिल्कुल पतला बनाए। उसको बिल्कुल ऐसे अच्छा सा एक लिक्विड बना लें। दूध में ही बनाना, ठंडे दूध में बनाना होगा इस लिक्विड को हमें। ये इस तरह से बनाया, एक ग्लास में या कप में, जिसमें भी आप ये वाले 4 टेबलस्पून जो है कस्टर्ड पाउडर डालें और फिर दूध में, 1 लीटर दूध में इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पोर करें और साथ साथ चमचा भी हिलाते जाएं। अगर आपने हाथ रोका तो फिर ये गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए हाथ आपने रोकना नहीं। इसको जब थोड़ी सी आंच तेज करके चमचा हिलाते रहें, चमचा हिलाते रहें और इसको गाढ़ा होने दें। अच्छा, इसमें मैंने शुगर नहीं डाला, चीनी, चीनी या शक्कर या गुड़ या जो भी मिठास इसमें मैंने शामिल नहीं की। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें मैं और क्या डालने वाली हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, मैंने असल में आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाए नहीं आप लोगों को। मैंने कहा कुछ स्टेप्स अलग अलग करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए आइसक्रीम बनाना। फीका कस्टर्ड बनाएं, बिल्कुल फीका, उसमें कोई भी चीनी कुछ भी नहीं डालें, बस कस्टर्ड पाउडर हो और 1 लीटर दूध हो। जितनी आइसक्रीम आपने बनानी है, 1 लीटर आइसक्रीम बनानी है, 3-4 लीटर, वो फिर आपका अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है कि कितना दूध बढ़ाते हैं और कितना कस्टर्ड बढ़ाते हैं। कस्टर्ड जितना गाढ़ा होगा, ऐसे पतला पानी नहीं होना चाहिए, जितना गाढ़ा होगा उतनी आइसक्रीम में बहुत मज़ा होगा, आइसक्रीम मज़ेदार हो गया। अच्छा, इस कस्टर्ड को बनाने के बाद इसको आपने ठंडा करने फ्रिज में रखना है। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए अच्छा सा, फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। और वो क्या है वो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी।
हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि हमारी ये इजी रेसिपीज आपको जितनी भी हम हैं वो अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही। और इसके अलावा हमारी रेसिपीज हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत शॉर्ट सी हो, छोटी सी, बहुत लंबे चौड़े खाने इसीलिए नहीं मैं बताती सिखाती, क्योंकि जो वर्किंग वूमेंस होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कोई बहुत ज़्यादा खाना ऐसे बनाए। और इसके अलावा जो अक्सर बेचारे बैचलर्स रहते हैं अकेले, जो स्टडी करने के लिए या किसी जॉब के सिलसिले में मुल्क से बाहर होते हैं या घर में भी बाज़ात अकेले रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो वो अपना कुछ ऐसा पकाएं जो मज़ेदार भी हो और कम टाइमिंग में भी तैयार होगा और कम खर्चे में भी हो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको हमारी आइसक्रीम भी इसी तरह बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि कस्टर्ड का एक दफ़ा बड़ा डब्बा आ जाए घर में तो ज़रूरी तो नहीं होता ना कि एक ही दफ़ा में पक जाए। तो आप इसको इस तरीके से आइसक्रीम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये काफ़ी हद तक माशाल्लाह से गाढ़ा हो चुका है हमारा ये कस्टर्ड और बाकी कुछ ये ठंडा होने के बाद भी हो ही जाएगा। तो अब हम चूल्हा बंद करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, कोई भी आपकी मर्जी का, कोई भी आपकी पसंद का फ्रूट, कोई भी फ्रेश फ्रूट, जैसे अब आजकल ज़रा थोड़ा स्ट्रॉबेरी का सीज़न था तो मैंने इसलिए स्ट्रॉबेरी ले ली। सिर्फ एक पाव स्ट्रॉबेरी भी इसमें एक किलो में काफ़ी होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी जो है साबुत थी तो मैंने इसको थोड़ा आधा शेक इसको ग्राइंड कर लिया और आधा मैंने रोक लिया आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि इसको अच्छी तरह से शेक इसको यानी सॉरी शेक नहीं मतलब इसको ब्लेंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह से चिल हो चुका है और इसमें फिर हम डालेंगे एक कप क्रीम और जो हमने पेस्ट बनाया था स्ट्रॉबेरी का वो हमने डालना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे क्रीम। और ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि ऐसी ही क्रिएटिव आइडियाज आपको पहुंचते रहें। और प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए स्ट्रॉबेरी हम डाल रहे हैं इसमें। आप इसमें आप अपनी मर्जी का कोई सा भी फ्रूट डाल सकते हैं। ये तो अगर गर्मियाँ आ रही हैं तो हम है ना इसलिए ना हमने स्ट्रॉबेरी की है। ये हमारा हो गया है और अब हमने इसको करना है ब्लाइंड और ये मतलब मेरा है मिक्स करना, बस गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए।
साइंस फन की क्या जरूरत होगी। तो असल में हमारा जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो बिल्कुल फीका था, तो इसलिए अब हम ना थोड़ी सी मिठास डालने के लिए उसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हम कंडेंस, और इसके अलावा इस वो जो हम आइसक्रीम बना रहे हैं इसको ये गाढ़ा भी करेगा। ये आप काम अपने बच्चों से करवाएं, उनको बहुत मजा आएगा और ये वो आइसक्रीम इसी तरह बनाना भी सीख जाएंगे। लेवल पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये मीठा है या नहीं। मैं अपने बाबा और मम्मी को टेस्ट करा के आपको बताती हूँ। तो मेरे जो अम्मी बाबा हैं उनको बहुत टेस्टी लगा ये मेरा आइसक्रीम, और ये इतना मीठा काफी है। Thank you.
इसको हम ना फ्रीजर में ठंडा करेंगे, आधा घंटा हम इसको ना फ्रीज करेंगे गाइस, ताकि ये ना आइसक्रीम बनने के लिए तैयार हो जाए। और फिर इसको जब ये फ्रीज हो जाए तो इसको आप दोबारा बीट कीजिए। इस तरह आप ना 6 दफा ना बीट करेंगे वक्फे से, और आप फ्रीज भी करेंगे। उसके बाद ये और नाइट फ्रीज में ओवरनाइट आई मीन सारी रात ना पड़ी रहेगी फ्रीजर में, ताकि ठंडी होने के लिए, जमने के लिए। उसके बाद ना आप ना इसको कोई किसी भी ना फ्रूट के गार्निशिंग के ना साथ ना खा सकते हैं, या चॉकलेट बिस्किट बिस्किट्स या फिर चॉकलेट चिप्स या जेली भी इसके ऊपर आप सजा कर खा सकते हैं। ये हमने आपको स्ट्रॉबेरी टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बनाना सिखाई है। जब ना ये अच्छी से ठंडी हो जाए तो हम ना आपको ना गार्निशिंग भी इसकी सिखाएंगे। अल्लाह अभी आप हमारे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए, और शेयर भी कीजिए, और प्लीज एक थम्स अप भी दीजिए। और आप करना ये आइसक्रीम बना के घर में देखिए कि आपको कैसी लगी, और कमेंट्स में बता दीजिए। अभी फिलहाल हम इसको हम ठंडा करने रख रहे हैं। ये हमारी फ्रीज हो गई है आइसक्रीम, और ये मुझे ना वो फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मेरी मम्मा ने मुझे इसमें फ्रूट्स डाल के दिए हैं, ताकि टूटी फ्रूटी ये आइसक्रीम बन जाए। और अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। इसको प्लीज घर में ट्राई कीजिए, और ना आप इसको घर में बहुत इजीली बना सकते हैं, क्योंकि ये बगैर आइसक्रीम मशीन के बनी है। ये बहुत यम्मी है, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और प्लीज थम्स अप भी तो दीजिए प्लीज, और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिए। अल्लाह हाफिज़।